तीन साल का मिनी ऑरेंज का ड्वार्फ ट्री और इसे मैंने इस 18 इंच के गमले में एयर लेयरिंग करके उगाया हुआ है। फिलहाल ये प्लांट फुल फ्रूटिंग पर है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें 50 से भी ज्यादा फ्रूट्स लग रहे हैं। इसके फ्रूट्स का टेस्ट ऑरेंज और लेमन के मिक्स फ्रूट जैसा खट्टा मीठा होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने घर पर इस तरह का फलों से भरा हुआ मिनी ऑरेंज का ड्वार्फ ट्री गमले में भी बहुत आसानी से उगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं शिरीश और आप देख रहे हैं बोनसाई एंड गार्डनिंग जोन। दोस्तों, चाइनीज ऑरेंज का ये प्लांट आप अपने घर पर ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए लगा सकते हैं या इसके खट्टे मीठे फलों के लिए भी लगा सकते हैं। इन फ्रूट से लेमनी ऑरेंजिश फ्लेवर का लेमोनेड जैसा टेस्टी और हेल्दी बेवरेज भी बना सकते हैं। इसे चाइनीज ऑरेंज, मिनी ऑरेंज, मैंडारिन और कैलामोंडेन ऑरेंज भी कहते हैं। इसे उगाना और मेंटेन करना बहुत ही आसान होता है। इस सिट्रस प्लांट की ये खासियत है कि ये साल में दो बार इसी तरह से जबरदस्त फ्रूटिंग करता है और इस पर पके हुए मिनी ऑरेंजेस लगभग 3 से 4 महीने तक लगे रहते हैं, यानी साल के ज्यादातर समय ये फलों से भरे हुए छोटे पेड़ के जैसा दिखता है। चाइना ऑरेंज का एयर लेयरिंग से तैयार छोटा प्लांट आपके आसपास की किसी भी नर्सरी में 100-200 रुपए में बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये बहुत ही कॉमन प्लांट है। अगर ना मिले तो आप इसे अमेजोन से ऑर्डर करके ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। आप इसे खुद भी एयर लेयरिंग करके उगा सकते हैं। इसे सीड से भी उगाया जा सकता है, मगर बीज से उगाए हुए पौधे को फल देने लायक मैच्योर होने में 4-5 साल भी लग सकते हैं। मेरे पास चाइना ऑरेंज का ये 2 साल का बोनसाई प्लांट है। ये अभी अंडर ट्रेनिंग है। मैंने इसको डिफोलिएट किया हुआ है, यानी कि इसकी सारी पत्तियां हटा दी है, जिससे इसकी पत्तियों का साइज और भी छोटा होता जाएगा। मैंने इसकी ट्रंक और ब्रांचेस को बेंड किया हुआ है। किसी भी ट्री की ब्रांचेस की वायरिंग, बेंडिंग और ट्रेनिंग कैसे की जाती है, बोनसाई कैसे बनाया जाता है, इस टॉपिक पर जल्दी ही मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं ट्री की इस सेक्रीफाइस ब्रांच में एयर लेयरिंग करके नया पौधा बनाऊंगा। एक शार्प ब्लेड को स्टेरिलाइज कर लीजिए। अब इस तरह से 1 इंच की दूरी पे 2 कट्स लगाइए। बीच में एक लंबा कट लगाकर इसकी स्किन को निकाल लीजिए। सिट्रस प्लांट में फरवरी, मार्च और जुलाई से सितंबर के महीने में एयर लेयरिंग कर सकते हैं। बरसात का मौसम इसके लिए सबसे अच्छा होता है। छिलका निकालने के बाद ब्रांच की इस सफेद लेयर को स्क्रैच करके थोड़ा छील लीजिए। इसके ऊपर कोई भी रूटिंग हार्मोन लगा दीजिए, इससे रूट्स जल्दी निकलेंगी। 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% नॉर्मल मिट्टी को मिलाकर अच्छी तरह से गीला कर लीजिए। अब गीली मिट्टी को पॉलिथीन पर रखकर कट वाले हिस्से के ऊपर इस तरह से अच्छे से लपेट दीजिए और पॉलिथीन से कवर कर दीजिए। अब दोनों तरफ से अच्छी तरह से टाइट बांध दीजिए। इस पर सिल्वर फॉइल लपेट दीजिए, इससे इसके मिट्टी का मॉइस्चर बना रहेगा, जिससे मिट्टी सूखेगी नहीं। एयर लेयरिंग के बाद इसे शेड में रखना है। इसमें रूटिंग शुरू होने में 4 से लेकर 6 हफ्ते तक लग सकते हैं। इसी तरीके से आप किसी भी फलदार पौधे जैसे कि अमरूद, नींबू और आम में भी एयर लेयरिंग करके नया पौधा बना सकते हैं। मैंने इसी तरह से नींबू की एयर लेयरिंग करके नया प्लांट तैयार किया था, जो साल भर ढेर सारे नींबू देता है। गमले में ढेर सारे नींबू उगाने वाले इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर दिख रहा है आई बटन पर क्लिक कीजिए। वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे रहा हूँ। एयर लेयरिंग किए हुए 32 दिन हो गए हैं। चलिए इसे ओपन करके देखते हैं। हमारी एयर लेयरिंग सक्सेसफुल हो गई है और इसमें काफी अच्छी रूट ग्रोथ हुई है। अब इसे स्टेरिलाइज शार्प कटर से कट कर लीजिए। अब ये आइडेंटिकल क्लोन प्लांट गमले में या जमीन में लगाए जाने के लिए तैयार हो गया है। 50% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट और 20% रेत मिलाकर पॉटिंग मिक्स बनाइए। अब गमले के बीच में एक गड्ढा कर इसे लगा दीजिए। अब इसमें भरपूर पानी दीजिए और इसके बाद इसमें पानी तभी डालें जब छूने पर ऊपर की मिट्टी सूखी लगे। जब तक इसमें नई ग्रोथ शुरू न हो जाए, इसे ऐसी छायादार जगह पर रखना है जहां सिर्फ सुबह 2-3 घंटे की धूप मिल सके। 5 महीने के बाद पौधे में ढेर सारी ब्रांचेस आ गई हैं। आप देख सकते हैं इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। इसके फूल बेहद खुशबूदार होते हैं, लेकिन हमें छोटे पौधे से फल नहीं लेना है क्योंकि इससे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ स्लो हो जाती है, और इसलिए पहली फ्लावरिंग के सभी फूलों को मैं तोड़ दूंगा। इसके ऊपर की टिप्स की कटिंग करते रहने से पौधे में नई नई ब्रांचेज आएंगी। जितनी ज्यादा ब्रांचेज आएंगी, पौधा आगे चलकर उतना ही घना होगा और फल भी उतने ही ज्यादा आएंगे।
अगले साल मैं इसकी रिपोर्टिंग बड़े कंटेनर में कर दूंगा। 3 साल बाद पेड़ काफी घना हो गया है। रेगुलर प्रूनिंग से इसमें ढेर सारी ब्रांचेस निकल आई हैं। इसे मैंने बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया है और इस पर जबरदस्त फ्रूटिंग हो रही है। फिलहाल इस पर 50 से ज्यादा फ्रूट्स लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ब्रांचेस पर इतने ढेर सारे फल लगे हैं कि फ्रूट्स के वजन से ब्रांचेस नीचे झुक गई हैं। इस पर और भी ढेर सारे फ्रूट्स थे, कुछ पककर झड़ गए हैं और कुछ फलों को तोड़कर मैं उनका टेस्टी और हेल्दी बेवरेज बनाता रहता हूं, जिसे बनाने का तरीका मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। इस पर पके हुए ऑरेंजेस के साथ हरे कच्चे फल भी हैं और बहुत छोटे छोटे फ्रूट्स भी हैं और सेम टाइम पर इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। मैं अपने गार्डन में केमिकल फर्टिलाइजर्स और जहरीले पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करता, इसलिए मेरे गार्डन में मधुमक्खियां और भंवरे जैसे कई पॉलिनेटर्स आते हैं और अच्छे पॉलिनेशन का मतलब है ज्यादा फल। फ्लावरिंग खत्म होने के लगभग 1 महीने बाद फ्रूट सेट होने लगता है। 3 महीने बाद आपको ढेर सारे कच्चे चाइनीज ऑरेंज देखने को मिलेंगे। फूल आने से लेकर फ्रूट पकने तक लगभग 5 से लेकर 6 महीने का समय लगता है। विंटर सीजन में इस पर सबसे ज्यादा फ्रूटिंग होती है। अब मैं आपको एक पका हुआ फ्रूट हार्वेस्ट करके उसका टेस्ट बताता हूँ। देखिए इसका छिलका काफी पतला है, अंदर से ये बिल्कुल छोटे से ऑरेंज की तरह है। ये बहुत ही जूसी है और इसका टेस्ट खट्टा मीठा है, जैसे ऑरेंज और नींबू का मिक्स फ्लेवर। चाइनीज ऑरेंज के प्लांट को अच्छी फ्रूटिंग के लिए ढेर सारी धूप की जरूरत होती है, इसलिए इसे ऐसी जगह पर रखें जहां इसे दिन भर धूप मिल सके। सिर्फ तेज गर्मियों के मौसम में कड़ी धूप से बचाने के लिए इसे शेड में रखना है। ज्यादा पानी देने की वजह से इसकी जड़ें गल सकती हैं और इसमें रूट रॉड होकर पौधा खराब भी हो सकता है। मिट्टी गीली हो तो पानी कभी नहीं देना है। इसमें पानी तभी दीजिए जब छूने पर मिट्टी सूखी लगे। ढेर सारी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए महीने में एक बार 2 मुट्ठी अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या इस तरह का वर्मी कंपोस्ट डालकर ऊपर की मिट्टी को हल्का हल्का लूज कर लें। साथ ही इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी करने के लिए महीने में एक बार 1 चम्मच बायोजाइम या सीवीड एक्सट्रैक्ट फर्टिलाइजर जरूर डालें। इससे फल फूल और पत्तियों की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। पत्तियां पीली पड़ती हैं मैग्नीशियम की कमी के कारण और इसका सॉल्यूशन है मैग्नीशियम सल्फेट। इसे एप्सम सॉल्ट भी कहते हैं और ये एक नेचुरल मिनरल होता है जो 100% ऑर्गेनिक होता है। 1/2 चम्मच एप्सम सॉल्ट गमले के किनारों पर बराबर डाल दीजिए और मिट्टी से कवर कर दीजिए। इस प्रोसेस को 1 महीने बाद दोबारा रिपीट कीजिए। किसी भी तरीके के इंसेक्ट या पेस्ट या फिर बीमारी लगने पर हर 15 दिन में एक बार 5 ml नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में मिलाकर पूरे प्लांट पे अच्छी तरह से स्प्रे कीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप चाइनीज ऑरेंज का खट्टा मीठा बेवरेज बना सकते हैं। इनमें से कुछ फ्रूट्स को मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ। अगर आप इन्हें फ्रिज में स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसे इनकी स्टॉक के साथ कट कीजिए। अगर आप फल को पकड़कर खींचकर तोड़ेंगे तो ये इस तरह से टूटेगा। इन्हें छीलकर ब्लेंडर में डाल लीजिए। दो चम्मच चीनी, थोड़ा सा काला नमक, 2 चम्मच हनी, थोड़ी सी आइस और 1 ग्लास पानी। अब इसे ब्लेंड कर लीजिए। इसके बाद इसे छान लेते हैं। चाइनीज ऑरेंज बेवरेज बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों अमेजिंग टेस्ट, एकदम लेमोनेड और ऑरेंज जूस का मॉकटेल लग रहा है। दोस्तों इसका सिर्फ स्वाद ही लाजवाब नहीं है, बल्कि ये विटामिन सी, विटामिन डी, एंटीऑक्सीडेंट्स और ढेर सारे मिनरल्स से भी लोडेड है। अगर आप मुझसे डायरेक्टली चैट करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और ये रहा आज का कमेंट ऑफ द वीक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।